Hello, guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about admission and discharge. So, guys, without any further ado, let's start the video. सो गाइज़ वट इज़ एडमिशन एडमिशन क्या होता है ये होता है एंट्री ऑफ पेशेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एडमिशन के अंदर एंट्री होती है पेशेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है क्यों होती है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके पेशेंट को केयर अच्छे से ऑब्जर्वेशन हो सके पेशेंट की एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ठीक है नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एडमिशन फर्स्ट इज़ रूटीन एडमिशन सेकेंड वन इज एमरजेंसी एडमिशन एंड थर्ड वन इज़ मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन वाइज फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रूटीन एडमिशन जो रूटीन एडमिशन होता है वो पहले से ही प्लैंड होता है पहले से ही प्लैंड होता है ये इसमें जो पेशेंट होता है उसको एडमिट किया जाता है फॉर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से उसकी एडमिश इन्वेस्टिगेशन की जा सके इसके लिए उसको एडमिट किया जाता है ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पहले जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीक है जैसे पेशेंट विद हाइपरटेंशन डायबिटीज़ तो इनको इनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाएगा ट्रीटमेंट नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी एडमिशन जो एमरजेंसी एडमिशन होता है इसमें जो पेशेंट होता है जैसे सडन इलनेस हो गई इंजरी हो गई कोई एक्सीडेंट हो गया ठीक है बर्न हो गया हार्ट अटैक हो गया पॉइजनिंग हो गया उनका पेशेंट्स का एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो इमरजेंसी एडमिशन होता है ये पहले से ही प्लैंड नहीं होता बट जो रूटीन एडमिशन होता है वो प्री प्लैंड होता है पहले से ही थर्ड वन इज़ मेडिको लीगल इशू रिलेटेड एडमिशन इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जैसे कोई क्रिमिनल है उसका एडमिशन हुआ हो हॉस्पिटल के अंदर या कोई रेप केस रिलेटेड केस आया हो हॉस्पिटल के अंदर तो इसके अंदर वो आता है और इसमें जो चीफ़ मेडिकल ऑफिसर होता है और पुलिस होता है उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है एंड इनका जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है प्रॉपरली नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्या होता है रिलीज़ ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो उसको डॉक्टर डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देता है और क्या हो जाता है जो पेशेंट होता है एग्जिट हो जाता है उसका हॉस्पिटल से नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्चार्ज फर्स्ट वन इज प्लैंड डिस्चार्ज प्लैंड डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है इसमें जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो डॉक्टर क्या करता है उसको डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देता है ये पहले से ही प्लान करके रखता है डॉक्टर की पेशेंट को कब डिस्चार्ज प्रोवाइड करना होता है सेकंड इज़ लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल केयर सो गाइज लामा के अंदर क्या होता है जब पेशेंट होता है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता अपना ट्रीटमेंट तो क्या करता है वो छोड़ देता है हॉस्पिटल को अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइज़ ठीक है यहाँ पे क्या होता है जो रिस्क और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डॉक्टर एक्सप्लेन कर देता है पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर को थर्ड इज़ डामा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइज़ इसके अंदर क्या होता है जो पेशेंट होता है अपने आप को खुद ही डिस्चार्ज कर लेता है हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज होता है वो डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करता नेक्स्ट डोपर डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट इसके अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है ऑन रिक्वेस्ट जब इसमें जब पेशेंट रिक्वेस्ट करता है हॉस्पिटल में तब उसको डिस्चार्ज मिल जाता है इसमें जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल को छोड़ता है मेडिकल एडवाइज़ के अगेंस्ट छोड़ता है बट विद द कंसेंट ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर बट डॉक्टर के कंसेंट के साथ छोड़ता है इस नेक्स्ट टाइप इज़ रेफरल और ट्रांसफ़र इसमें जो पेशेंट होता है उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है ताकि स्पेशलाइज्ड जो सर्विस है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके फॉर एग्जांपल क्लाइंट एडमिटेड विद कैंसर इज़ रेफर टू कैंसर हॉस्पिटल फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लाइंट को कैंसर है तो उसको कैंसर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसको एब्सकॉन्डिंग नेक्स्ट इज एब्सकॉन्डिंग। सो गाइज एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है इसमें जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल को छोड़ देता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ विदाउट मतलब हॉस्पिटल जो अथॉरिटी है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि वो हॉस्पिटल छोड़ रहा है ट्रीटमेंट के बीच से ही छोड़ देता है और इसमें कभी कभी जो क्लाइंट होता है पेशेंट होता है वो अपनी ड्यू भी पे नहीं करता पूरी छोड़ के चला जाता है हॉस्पिटल को नेक्स्ट वन इज़ पैरोले पैरोले में क्या होता है इसमें जो पेशेंट होता है उसको अभी डिस्चार्ज मिला नहीं हुआ होता बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव्स उनकी रिक्वेस्ट पे दो या तीन दिन के लिए पेशेंट को घर भेज दिया जाता है अगर पेशेंट हो अगर रिटर्न नहीं आता हॉस्पिटल के अंदर तो उसका डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी नेक्स्ट वन इज़ डेथ वन क्लाइंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम इज़ एडमिटेड, जब क्लाइंट होता है उसकी क्रिटिकल होती हेल्थ प्रॉब्लम उसको जब एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर और वो रिकवर नहीं करता और फिर उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर इसमें नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रोसीजर ऑफ एडमिशन कैसे प्रोसीजर होता है एडमिशन का फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द रूम इसके अंदर जो नर्स होती है क्लाइंट के रूम को जो पेशेंट होता है उसके रूम को अच्छे से प्रिपेयर करती है क्या करती है जो ओल आर्टिकल फॉर आ ओपन बेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ओपन बेड के लिए जैसे ड्रॉ शीट मैकिनटोश बेड शीट हो गई इन सब को प्रोवाइड करती है बेड के ऊपर और प्रॉपर बेड मेकिंग से प्रिपेयर करती है बेड को नेक्स्ट स्टेप इज अरेंज पोजिशन ऑफ बेड जो बेड होता है उसकी पोजिशन को अरेंज करती है जो एम्ब्यूलेट्री पेशेंट होते हैं उनके बेड की पोजीशन तो नॉर्मल होती है बट जो पेशेंट अराइव करते हैं स्ट्रेचर्स पे ठीक है उन पे अराइव करते हैं तो उनकी जो बेड की पोजीशन है थोड़ी लोएस्ट रहती है नीचे थोड़ी कम रहती है सी इक्विपमेंट्स equip, तो जो नर्स है वो मेक श्योर sure करती है कि सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो वर्ड के अंदर जैसे टेम्परेचर ट्रे बाथ ट्रे सक्शन मशीन एमरजेंसी ट्रॉली ऑक्सीजन मास्क स्टेटस्कोप स्पिग्मोमेनोमीटर ये मेक श्योर sure करती है नर्स कि वर्ड के अंदर ये अच्छे से अवेलेबल हों सेकेंड स्टेप इज चेक क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन जो क्लाइंट होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसको अच्छे से चेक करती है नर्स देन ग्रीट हिम और हर ग्रीट करती है पेशेंट को और रिलेटिव्स को और नर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है पेशेंट से एंड रिलेटिव से थर्ड स्टेप इज ऑब्जर्व क्लाइंट विटल साइन एंड कलेक्ट स्पीसीमिन फॉर लैब टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड जो नर्स होती है वो क्लाइंट के विटल साइन होते हैं जो टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन इनको चेक करती है और स्पेसिमिन कलेक्ट करती है अगर रिक्वायर्ड हो ज़रूरत हो तभी करेगी अदरवाइज़ नहीं करेगी फोर्थ स्टेप इज़ गिव एडमिशन बात इफ़ नीडेड अगर ज़रूरत होती है एडमिशन बात की तो प्रोवाइड करेगी अदरवाइज़ नहीं करेगी नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लेन यूज़ ऑफ बाथरूम एंड एकमेंट पेशेंट को एक्सप्लन करेगी बाथरूम कहाँ पे है और उसके यूज़ कैसे करना है एंड इक्विपमेंट्स के बारे में इक्विपमेंट्स के यूज़ के बारे में कैसे इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करना है प्लेस अ लॉकर एंड बेल इन ईजी रीच ऑफ पेशेंट प्लेस करेगी पेशेंट के पास ही लोकर को अवेलेबल करवाएगी और बेल होगी ताकि उसको रिंग करके अच्छे से पेशेंट अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकें नेक्स्ट इज़ एक्सप्लें मील टाइमिंग एंड विजिटिंग आवर्स टू क्लाइंट एंड फैमिली नर्स एक्सप्लें करेंगी मील टाइमिंग मील किस टाइम पर फूड अवेलेबल होगा पेशेंट को एंड विजिटिंग आर्स टू क्लाइंट एंड फैमिली और विजिटिंग आवर्स के बारे में बताएँगे कि आप किस किस टाइम पर डॉक्टर से मिल सकते हैं और किस टाइम पर आप पेशेंट के पेशेंट से मिल सकती आप फैमिली सेवेंथ इज़ आंसर क्वाइरीज ऑफ क्लाइंट एंड रिलेटिवस अगर पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछने हो या फैमिली को पूछने हो तो वो नर्स से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग मेडिस मेडिसिन के रिगार्डिंग और और भी कुछ चीज़ होती है उनके बारे में लास्ट स्टेप इज़ कंप्लीट नेसेसरी रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी जो रिकॉर्ड होंगे उनको कंप्लीट करेगी लास्ट स्टेप होता है ये रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करेगी पेशेंट की जिसके अंदर पेशेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखेगी और असेसमेंट उसके असेस किया था जो टेम्परेचर पल्स उनके बारे में लिखेगी नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिस्चार्ज प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट इज रिटर्न कंसेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप सो डिस्चार्ज प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो डॉक्टर होता है उसका जो रिटर्न कंसेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है विदाउट डॉक्टर रिटर्न कंसेंट पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं मिल पाता सेकेंड वन इज़ मेक श्योर फैमिली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन फॉर केयर सो जो नर्स होगी वो मेक श्योर sure करेगी कि फैमिली और क्लाइंट को अंडरस्टैंड हो गया प्रॉपरली डाइट के बारे में किस टाइम पर डाइट लेनी है पेशेंट को मेडिकेशन के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को किस किस टाइम पर मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है और कितनी डोज प्रोवाइड करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है थर्ड पेशेंट बिलोंगिंग्स शुड बी रिटर्न सो गाइज इसमें एडमिशन के टाइम पर जो हॉस्पिटल होता है पेशेंट की बिलोंगिंग्स होती है जैसे मनी क्लोथ्स उनको सबमिट कर लेता है एडमिशन के टाइम पर और जब डिस्चार्ज मिलता है पेशेंट को तो रिटर्न कर देता है पेशेंट को उनकी बिलोंगिंग्स तो नर्स मेक श्योर करती है कि जो क्लाइंट है उसकी वैल्यूएबल थिंग्स उसको वापस मिल जाए नेक्स्ट पॉइंट इज़ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी शुड बी चेक्ड एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम पेशेंट हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी जो पेशेंट को यूज़ करने के लिए दी गई थी वार्ड के अंदर जैसे बेड लाइनिंग हो गई तो नर्स ये देखती है कि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट अपने साथ कैरी कर कर लेकर ना जाए फिफ्थ पॉइंट इज बिफोर पेशेंट लीव नर्स शुड चेक वेदर ही हैज़ पेड ऑल द बिल्स और नॉट तो डिस्चार्ज से पहले जो नर्स होते हैं उसको मेक श्योर sure करना होता है कि पेशेंट ने जितने भी बिल थे हॉस्पिटल के वो सारे पे कर दिए हो तभी जो पेशेंट होगा उसको डिस्चार्ज मिलेगा नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज कंप्लीट पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड डिस्चार्ज समरी तो क्या करेगी डिस्चार्ज के टाइम पर जो नर्स होगी जो पेशेंट के जो रिकॉर्ड फाइल होगी उसको कंप्लीट करेगी और डिस्चार्ज समरी होगी उसको कंप्लीट करेगी सेवेंथ पॉइंट इज इज इफ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू वॉक देन नर्स शुड सी ही इज सेफली ट्रांसफर्ड आइधर ऑन व्हील चेयर और ऑन स्ट्रेचर्स अगर पेशेंट मूव नहीं कर सकता चलने में उसको परेशानी है तो नर्स मेक श्योर करेगी कि उसको व्हील चेयर प्रोवाइड हो हो हॉस्पिटल की तरफ से या तो स्ट्रेचर्स प्रोवाइड हो डाइटरी डिपार्टमेंट शुड भी इन्फॉर्म्ड अबाउट पेशेंट्स डिस्चार्ज डाइट्री डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट को फूड प्रोवाइड करता है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पेशेंट को अब डिस्चार्ज मिल गया है लास्ट पॉइंट इज़ केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज तो इसमें क्या होता है पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद जो यूनिट होती है यूनिट मींस जो वार्ड होता है जिसमें पेशेंट को रखा गया था उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है ठीक है जो रूम होते हैं उनको क्लीन किया जाता है एयर्ड किया जाता है उनको विंडो और जो डोर्स होते हैं उनको खोल दिया जाता है डोर्स विंडोज़ फर्नीचर उनको अच्छे से वॉश किया जाता है और क्लीन किया जाता है जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं उनको डिस डिस्कार्ड कर दिया जाता है और जो लाइनिंग होती है जिसको बेडशीट कहते हैं उसको लॉन्ड्री में भेज दिया जाता है अच्छे से अगर कोई पेशेंट था उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ थी तो क्या होगा उसको जिस रूम में वो रहा था तो उस रूम को अच्छे से फमिगेटेड किया जाएगा ठीक है और जो mattress, pillow और ब्लैंकेट होंगे उनको एक्सपोज किया जाएगा सनलाइट के अंदर So, guys, that's it for today. I hope you understood my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.